हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एन लॉक्स कारवार। सो तो कैसे हो आप लोग, होप यू ऑल आर बेस्ट। सो आज मैं बात करने वाला हूँ बाइक की स्टेबलाइजेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ड्यूक की हैंडल बार मैंने लगाई है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है आज मैं बता देता हूँ। उसका स्टेबिलिटी क्या है और उसका हायर स्पीड पे कितना वॉबलिंग होता है, आज मैं इसका लाइव फुटेज में दिखाने जा रहा हूँ कितना स्पीड पे कितना वॉबलिंग करता है। अगर ये हैंडल किसी को पसंद है और कोई बाय करना चाहते हो तो मुझे DM कर सकते हो और इसका कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। फुल इन डिटेल वीडियो है, इंस्टॉलिंग प्रोसेस फुल है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। रिसेंटली थोड़ी दिन पहले मेरे साथ एक हादसा मतलब एक भयानक आ गई थी मेरे अंदर, जब मैं हायर स्पीड पे था और ओवर स्पीडिंग कर रहा था और आफ्टर 130 to 135 किलोमीटर पर सेकेंड हैंडल बबलिंग अचानक से हुआ और मैं एकदम से डर गया और फटाक से मैं स्लो डाउन कर दी बाइक। और उसका रीज़न था वो व्हील कवर, और वो हटाने के बाद थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन इम्प्रूव हुआ बाइक में। अब तक वो मेरे पास जो हुआ है वो सिचुएशन, वो डेडली बबलिंग और बिल्कुल बहुत डर गया था उस दिन में। और उसका रीज़न है व्हील कवर, और वो जस्ट मैं कॉर्नरिंग कर रहा था और मेरा स्पीड 135 पे था और वो कॉर्नरिंग के वजह से वो बहुत वॉबलिंग हो गया हैंडल और फटक से मैंने स्लो डाउन कर दी। तो दो दिन के बाद मैंने वो व्हील कवर हटा दी है। तो आज हम चेक करेंगे विदाउट व्हील कवर और इसका क्या स्टेबिलिटी है। तो स्टॉक हैंडल में जब मैं राइडिंग कर रहा था स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छा था उसका और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो इस पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक छोटा सा दिक्कत है अभी मैं बता देता हूँ। अभी मैं गोवा के नेशनल हाईवे पे हूँ और ये तो थोड़ा सा हिली एरिया है, नॉट अ नेशनल हाईवे, स्ट्रेट वन। और यहाँ पे सो मैं अभी नॉर्मल चला रहा हूँ और जब मैं 100-110 क्रॉस करता हूँ और हाथ छोड़ने के बाद ये थोड़ा सा बबलिंग करता है, एक 100% एक 10% बबलिंग होता है यहाँ पे। ये आप स्लो मो पे चेक कर सकते हो कितना बबलिंग हो रहा है। ये जो चीज़ है ये स्टॉक पे नहीं था और हैंडल चेंज करने के बाद आया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर 110 और 120 स्पीड के बाद हैंडल नहीं छोड़ना है और ट्राई भी मत कीजिएगा, इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज ये बबलिंग जस्ट 110 पे इतना ही हुआ था। इमेजिन अगर ये 140 पे होता तो क्या होता। सो डोंट ट्राई दिस एट ऑल। बस इतनी सी बात है कि हैंडल बबलिंग नहीं होता है हायर स्पीड पे, और अगर आप मजाक पे और हैंडल छोड़ के आप स्टाइल मारना चाहते हो डोंट डू दिस एट ऑल। बाइक बबलिंग करता है जब हैंडल छोड़ते हो, बिना छोड़े हैंडल बबलिंग नहीं करता है। इट डजेंट मैटर कितना स्पीड पे हो आप, फिर भी NS200 इज़ वेरी रिलायबल एंड गुड इन स्टेबिलिटी एट हायर स्पीड। सो इसका BS3 वेरिएंट जो था वो बहुत डेंजरस था, उस पर ABS भी नहीं थी और उसका जो रॉ पावर वो डेडली कॉम्बिनेशन है और वो भी फ़िलहाल के लिए डिसकंटिन्यू। और ये BS6 उसका पिकअप तो थोड़ा डिक्रीज हो चुका है, पिकअप उसका ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू BS3। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। और इसी तरह से कीप सपोर्टिंग मी गाइस, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।